घड़ी और सुख के अवसर पर प्रिया विठोह से व्याकुल अंतर वाले वत्सराज के हृदय में पद्मावती के विवाह रूपी समीर से प्रज्वलित कामा की भड़कती है। वायु की होती हुई सर इसी चेष्टा कर रही है।
जैसी बिछाई थी वैसी ही पड़ी। चादर में तनिक भी सिकुड़न नहीं और ना ही सर की दवा भी जब से तकिया ही मलिन हुआ। और बीमार के मत बदलाव के लिए किसी प्रकार की शोभा ही आनी चाहिए। और निश्चित रूप से रुग्ण प्राणी अपनी शैया छोड़ इतने जल्दी अपने आप चलाना जाएगा। ये आपने बिल्कुल सही कहा श्रीमान। श्रीमान क्यों ना हम इस शैया पर टीवी आने तक उनकी प्रतीक्षा करें। इस पर बहुत सुंदर नगर काम के लिए। अच्छा ऐसा है, ब्रह्मदत्त राजा था।
सत्ता के ही बारे में सोचते रह गए श्रीमान, और हाँ वही आपके सपने में भी आ गई। यद्यपि ये स्वप्न था तो नींद से ना जागना ही धन्य होता, और यद्यपि ये भ्रम है तो ये भ्रम सदा बना रहता है। श्रीमान, इस नगरी में अवंती सुंदरी नाम की एक यक्षिणी रहती है श्रीमान, कहीं वो तो आपको दिखाई ना पड़ी हो। नाना, नींद से जागकर मैंने उसके मुख को देखा जो आज भी अपने चरित्र की रक्षा करती, लंबी हल्के मुंह पर बिखरी नेत्र अंजन शून्य, और मित्र हाँ देखो मेरे इस भुजा को देखो मित्र, जिसे देवी ने स्वप्न में दबाया था, इसके रोए अभी तक खड़े हैं मित्र, यद्यपि देवी ने इसे स्वप्न में स्पर्श किया था। श्रीमान, अब आप अनर्थ चिंतन ना करें, आइए चतुशाला में चले। सुंदर,